मुसलमानों ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर 650 साल तक इज्जत और वकार से हुकूमत की। खानदान उलामा सादात, तुगलक, खिलजी और मुगलिया खानदानों के अजीम हुक्मरानों ने हिंदुस्तान को पुरवकार मुल्क बना दिया, लेकिन मुगल हुक्मरानों के दौर में हुकूमत कमजोर से कमजोर हो गई। इस खानदान के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर तख्त पर जलवा अफरोज हैं। आइए देखते हैं वो क्या बिल खिलाते हैं। मैंने तुम्हें काम कहा था। पशा सलामत लाया तो हूँ। ऐसी जूती लाते हैं? पशा सलामत मस्जिद से इसी तरह की जूती मिलती है। अद्दा अद्दा मुस्ता, दफा जाओ यहाँ से। बादशाह सलामत जान के मान पाओ तो कुछ कहो। बोलो। बादशाह सलामत दो कैदियों का फैसला करना है। उनको हाजिर किया जाए। पेश करो। पहला कैदी हाजिर। शाह सलामत। सलामत तो सो गए। सलामत अपने आप पर काबू कीजिए। बादशाह सलामत कैदी हाजिर है। इसका क्या जुर्म है? बादशाह सलामत इस जालिम ने अपने पड़ोस के घर से अंडा चुराया है। अच्छा, इसने अंडा चुराया है। कल किसी और के घर चोरी करेगा और परसों हमारे खजाने में हाथ डालेगा। इसे फांसी दे दो। माफ कर दीजिए। बादशाह सलामत, उसने सिर्फ अंडा चुराया था, किसी का कत्ल तो नहीं किया। दादा उस्ता चुप रहो तुम। दूसरा कैदी हाजिर है। बादशाह सलामत माफ कर दिए। बादशाह सलामत तो सो गए। बादशाह सलामत अपने आप पर काबू कीजिए। बादशाह सलामत कैदी हाजिर है। बादशाह सलामत माफ कर दीजिए। बादशाह सलामत इसका क्या जुर्म है? बादशाह सलामत, इस जालिम ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। ओह, इसने कत्ल किया है? फिर तो बहुत बहादुर हुआ। इसे रिहा कर दिया जाए और हमारी फौज में भर्ती कर दिया जाए। वाह बादशाह सलामत, वाह, क्या इंसाफ किया है आपने। कत्ल करने वाले को रिहा कर दिया और न चलने वाले को कत्ल कर दिया। अद्दा उस्ता, पहले भी मैंने तुम्हें रोका है। बादशाहों के फैसले तनकीद करते हो, चुप रहो। बादशाह सलामत जान के आन पाऊँ तो कुछ कहूँ? बोलो। बादशाह सलामत, अंग्रेज की फौज दिल्ली में दाखिल हो चुकी है। हमें उसकी कोई फिक्र नहीं। बादशाह सलामत जान के मान पाऊँ तो कुछ कहूँ? बोलो। बादशाह सलामत, आप थक गए होंगे, हम गाना सुनते हैं। ठीक है, बुलाओ। गाने वाले सलामत, गाने वाले नहीं आए। बादशाह सलामत जान के मान पाऊँ तो कुछ कहूँ? बोलो। बादशाह सलामत, अंग्रेज की फौज किले में दाखिल हो चुकी है, गाने वाले भी रुक गए होंगे। उस्ता, तुम मुझे डराते हो। हमें उसकी कोई फिक्र नहीं, हमारी बहादुर फौजें उन्हें संभाल लेंगी। कोई बात नहीं बादशाह सलामत, हम कल गाना सुन लेंगे। बादशाह सलामत, कल तक आपका तख्त रहा तो आप गाना सुनेंगे। उस्ता, तुम अपना मुंह बंद रखो। तो अच्छा, कितना बद नसीब है जफर के दफन के लिए, दो गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। इस तरह हिंदुस्तान में मुसलमानों के इक्तदार का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। बहादुर शाह जफर को कैद कर दिया गया और उसके बेटों को मार दिया गया और फिरंगी सात समंदर से पार आकर हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। Hey, who are you? मैं यहाँ का वजीर हूँ, तुम कहो निकल जाओ यहाँ से। I am Viceroy.
And who are you? बादशाह सलामत, मैं आपका वजीर हूँ. वेलकम वेलकम, आप हमारे किंग हैं बादशाह सलामत. गुड वजीर. थैंक यू बादशाह सलामत. आप बादशाह सलामत, आपके लिए तोहफा लाया जाए. पेश किया जाए. तोहफे वाला Hey, what's this? It's dud. What's dud? It's come from Maj. Oh no, what's Maj? Maj is the mother of Katta. And what's Katta? Katta is the son of Sata. It's not good. I don't drink. Oh no. Pakistan ka matlab kya? La ilaha illallah. Pakistan ka matlab kya? La ilaha illallah. Hey, what's this? Ye kin ki awaaz hai? Ye un musalmanon ki awaaz hai jinko tumne is mulk se nikal diya tha. अब वापस आ चुके हैं, तुमसे बदल लेंगे, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे. दो कौमी नजरिए के बुनियाद पर हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया. हिंदुओं का मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुल्क पाकिस्तान हो गया. सबको मुबारक हो कि आज हम आजाद हैं और कयामत तक इंशाल्लाह आजाद रहेंगे.